हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देखिए तीन लोग हैं। ये पीछे वाला देख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद से अभी कच्छ, और कच्छ में रास्ते में होटल खोडल में रुके और हमने यहाँ पर अभी लंच किया है। यहाँ से अभी हमें 227 किलोमीटर और जाना है कच्छ जाने के लिए। तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से डिस्टेंस अभी हमारा 200 प्लस किलोमीटर बचा हुआ है, तो हम वो डिस्टेंस कवर करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कच्छ और आपको पूरा टूर कराते हैं कच्छ का। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बहुत सी जगह घुमाएंगे इस गुजरात की टूर में। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। गर्मी तो बहुत है दोस्तों गुजरात में, आप देख सकते हो मेरे फेस से काफ़ी गर्मी है। और हमारे साथ देखिए रोहित भाई हैं, उनकी भी हालत बड़ी ख़राब है गर्मी से। हाँ, और शेंकी अभी गाड़ी चला रहे हैं। तो शेंकी कैसी लग रही है गर्मी? गर्मी बहुत जबर है, समय मतलब कुछ मुंह से निकल नहीं रहा है कि क्या बताऊँ कैसी गर्मी है। अरे कहना क्या। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से और आपको दिखाते हैं फिर रास्ते में क्या क्या पढ़ने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है कच्छ देखने का और आप लोगों को साथ में दिखाने का और घुमाने का। चलिए आपको घुमाते हैं अपने साथ और ये देखिए सफर कैसा है। दोस्तों चाय जो हर पहाड़ी की कमजोरी है वही पीने के लिए हम यहाँ रुक गए हैं। अब जल्दी हम पहुँचने वाले हैं अपने रिसॉर्ट पे जो हमने बुक किया है। One hour later. दोस्तों आज तो हम बुरा फंसे हैं ये GPS के चक्कर में। अभी हम धोलावीरा जा रहे हैं और ऐसे रास्ता करीब 100 किलोमीटर दिखा रहा है हमें, यहाँ से हमें 100 किलोमीटर और जाना है। तो GPS कभी कभी ऐसे ही परेशान करता है हमें। हम ये सोच रहे थे कि हम हाईवे से जाएंगे और ये रास्ता यहाँ से हमें ऐसा दिखा रहा है। तो दोस्तों पहले कह रहे थे आप रास्ते का पता कर लें उसके बाद ही आए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि ये जिस हिसाब से ये रास्ता है आप देखो ये ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे और GPS के हिसाब से हमें इसी रास्ते पे जाना है, ये वाले रास्ते पे जाना है। नहीं कई बार से गलत जा रहे हो, देख गलत जा रहे हो। दोस्तों अभी हमें
100 किलोमीटर से ऊपर जाना है धोलावीरा के लिए, जहाँ की हमने होटल बुक कराया है और मोर भी दिख रहे हैं। तो पीछे बैठ जाना भाई, उसको चलाएं दे गाड़ी। नहीं वैसे कह रहा हूँ, उसे पूछ ले एक बार। दोस्तों अभी हमें एक भाई साहब मिले, उन्होंने बोला कि ये रास्ता पकड़ लीजिए और 2 से 3 किलोमीटर में हमें हाईवे मिल सकता है, तो देखते हैं, होपिंग कि हमें हाईवे मिल जाए। वैसे तो बहुत हालत खराब हो गई है। ये सफर हमारा बहुत एडवेंचर वाला बन रहा है और इस एडवेंचर में कहीं हम ही एडवेंचर ना बन जाएं। ट्रैक्टर भी जा रहा है इतने पतले से रोड पे। धोलावीरा, हाँ रोड है। रोड भी नहीं है और हमें ऐसी ही गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है। हालत बहुत खराब है, देखो आप यहाँ पर एकदम गड्ढे हुए हैं, यहाँ पर रोड बन रहा है ये, और बड़ी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, मगर हम चल रहे हैं और हम जल्दी पहुंचेंगे धोलावीरा। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सफर आपको कैसा लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आप ऐसी जगह फंस जाओ तो आप फिर क्या करोगे ऐसे कंडीशन में। जैसे कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस यही समझ में आ रहा है कि ये रोड पकड़ते रहो और इसी में चलते रहो। तो दोस्तों अभी तो हम चल ही रहे हैं इस रोड पे, आगे देखते हैं हमें ये रोड कहाँ ले जाएगी। मुझे नहीं आ रहा है रोड कहाँ जा रही है, तो चल रहे हैं फिर भी हम। ये देखिए पूरा जंगल है ये, दो मोर हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या कहते हैं, पूरा रेगिस्तानी रेगिस्तान है और हम यहीं पर आ रहे थे और रास्ते में हमें जब रेगिस्तान दिखा है, वाइट रेगिस्तान, तो हमने कहा थोड़ा सा एक वीडियो बना लेते हैं, शाम का है समय अब, क्योंकि हम अपने होटल पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया
कितना खराब रास्ता है जिस रास्ते हम जा रहे हैं। अभी भी हम उसी रास्ते पे हैं, मगर हमें यहाँ पर रेगिस्तान दिखा तो हमने कहा पहले आपको दिखा दें रुक के। तो ये देखिए आप यहाँ का व्यू पूरा, आप जहाँ तक देख रहे हो रेगिस्तानी रेगिस्तान दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो दूर दूर तक अगर आपकी नज़र जा रही है, ये देखिए सामने एक पहाड़ भी दिख रहा है, रेगिस्तान का पहाड़। तो देखते हैं अगर हम वहाँ पास में जा पाए उसके और हम आपको पास से दिखा पाए तो हम दिखाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको जल्दी से जल्दी अपने होटल पे, चलिए फिर फटाफट हम निकलते हैं।